तो चलो चलो, तुम थक गया क्या? थक गया सही में? तो बैठने का मन कर रहा होगा। चलो चलो चलो, एकदम पूरा थक गया तुम। कितना थका? उतना सारा थक गया। कितना चल गया जो थक गया? 300 किलोमीटर। अरे 300 किलोमीटर चला है। 300 किलोमीटर चल गया। डॉक के आ रहे हैं, डॉक से डॉक के आए इधर। देखो, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी हम आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो ये आप बैकग्राउंड से देख के पता चल रहा होगा कि अभी हम पहाड़ पे हैं। तो वीडियो में पता चलेगा कि हम कौन सा जगह पे हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन का घंटा है उसे दबा दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, अभी हम आए हुए हैं एक ऐसे जगह पे। तो अभी हमें हमारे पीछे देख सकते होंगे पूरा फील्ड, एकदम पूरा फील्ड दिख रहा होगा। और इधर में पीछे देख रहे होंगे पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ ही है, मतलब पूरा चारों तरफ पहाड़ है। और ये बीच में थोड़ा सा समतल एरिया है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे एक शक्ति पीठ है और उस जगह का नाम है सिद्धेश्वर धाम। तो यहीं पे हम आए हुए हैं। और यहाँ पे एक झरना है जो कि काफ़ी प्रचलित और नामी झरना है, जैसे वो आयुर्वेदिक का काम करता है, तो बहुत ये प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे चल करके देखते हैं कि अभी झरना है और वहाँ पे कैसा सीन है। बाकी हमारे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान, और ये बीरावान पहाड़ है। तो चलते हैं आगे। लेके भाग जाएगा तो इसलिए भाग जाएगा। पापा है ना मेरे साथ, भैया भी है, कैसे भाग जाएगा लेके? हम लोग तो यहाँ पे, हम लोग देखने गए रवि कहाँ गया। पीटेंगे तुमको देखना, किसी का नाम है सुनकर डर जाएगा। तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं, थोड़ा आगे आने से यहाँ का एक ग्रामीण मिले हैं, तो इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि वो कितना आगे है और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा आवाज़। हाँ, यहीं के हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, कहाँ पे घर है आपका? वो लोहंडा में। अच्छा, लोहंडा में है। तो यहाँ पे जो झरना है वो कितना दूर है आगे? ये झरना बगल में। अच्छा, थोड़ा बगल में ही है। बगल में। तो यहाँ के बारे में बताइए, झरना मतलब क्या है? मतलब जिसका खुजली उजली होता है ना। अच्छा अच्छा, मतलब चर्म रोग। हाँ, रोग होता है ना, नहा के कपड़ा बिक देता है। अच्छा, पुराना पहन का या चाहे नया। अच्छा, तो बिक दीजिएगा। हाँ, तो कुछ मानना पड़ेगा, मिठाई उठाई मुर्गा उर्गा। अच्छा अच्छा, कुछ ही मान सकते हैं आपको। तो वो ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, आके चढ़ा दीजिएगा, ठीक ही रहेगा। अच्छा, तो इनसे हम थोड़ा सा बात किए, इनसे जानकारी लिए, तो इनका कहना है और यहाँ का मानना भी ये है कि ये झरना जो है एक आयुर्वेदिक है, जिनको शरीर में चर्म रोग जैसे खुजली नोचनी एक्जिमा ये सब हो जाता है, तो वो लोग यहाँ पे आ करके नहाते हैं और उस पानी से वो सारा चर्म रोग जो है समाप्त हो जाता है, और ये एक प्राकृतिक है। तो चलिए हम भी चल करके देखते हैं। तो ये जो एरिया है ये लोहंडा में पड़ता है, ITI और लोहंडा के बीच में है। तो चलते हैं और वहाँ पे चल करके देखते हैं। तो अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये पूरा रास्ता एकदम पहाड़ के ऊपर जाता दिख रहा होगा, और यहाँ से कुछ महिलाएं लोग भी हैं जो कि ऊपर से लकड़ी भी लाती हैं। तो ऊपर सूखा हुआ लकड़ी मिलता है, वहीं से ये लोग लाती हैं। तो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, और बाकी उधर जाने का कोई मतलब है नहीं। तो हम तो आए हैं झरना दिखाने के लिए, तो चलते हैं झरना के पास। देर ना करते हुए फ्रेंड, चलते हैं जगह पर। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम दिखाते हैं हमारे साथ में और कौन कौन है। तो हमारे साथ
अमन है और इधर रवि है। मुझे तो पता ही नहीं था। और ये पास गांव का व्यक्ति है। क्या बोले तुम? मुझे तो पता ही नहीं था हमारे साथ कौन आया है। हम आए हैं। तो गाइस हम लोग तो यहाँ पे आए थे झरना, अब यहाँ से पहाड़ से मतलब लेडीज लोग कुछ लकड़ी लेके अब हम लोग देखेंगे क्या छोटू, हम लोग देखेंगे कि झरना है गिफ्ट है। हाँ, लो, लगा लो बाल में, लगा लो बाल में। हमको गिफ्ट दिया है देख लीजिए। और चलते हैं देखेंगे वहाँ पे झरना कैसा है नहीं है। और यहाँ पे पहाड़ के तो बीच में है, अब थोड़ा सा शाम होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग को निकलना चाहिए थोड़ा सा। हाँ चलते हैं वहाँ पे, लेट नहीं करते हुए निकलते हैं हम लोग। चलो ये चलो, ये देखती हम लोग चले गए। हम लोग कभी नहीं। अरे तो इतना आगे भाग गया जल्दी जल्दी। इतना आगे मत जाओ, हम भी चलो कैमरा मैन के साथ, रवि कुमार। रवि कुमार कैमरा। तो फ्रेंड यही वो रास्ता है और इधर से ही झरना की ओर जाया जाता है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आगे। तो यही वो रास्ता था जो हम आपको दिखाए थे, क्योंकि तो वहाँ से सूखा हुआ लकड़ी कुछ महिलाएं लोग लेकर के आई थी, तो अभी ये लोग थक चुकी हैं तो यहाँ पे बैठ करके आराम फरमा रही हैं, कुछ यहाँ झरना का पानी भी पी लेंगे। यहीं पे घर है? हाँ। कहाँ पे? नीचे। हाँ, अच्छा अच्छा, तो यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं झरना के बारे में? पूजा पाठ होता है, झाड़ फूक होता है। अच्छा, यहाँ पे झाड़ फूक भी होता है? हाँ। किस चीज़ का? जिसको तैरामी है, जिसको नहाता है, जिसको गाँव घूस है उसके लिए या नहाता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे भी हैं, इनका भी वही कहना है कि यहाँ पे झाड़ फूक भी होता है, जिसका तबीयत ख़राब हो जाए या फिर घाव घोस मतलब चर्म रोग का जितना भी संबंधित है जो हो जाए, तो यहाँ पे नहाने से वो चीज़ समाप्त हो जाता है। तो आइए चलकर देखते हैं कि यहाँ पे वैसा है क्या। तो देर ना करते हुए अब हम वहीं पर डायरेक्ट चलते हैं। हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं ना जी। हमको तो कहीं झरना दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है झरना? झरना देखना होगा, झरना कहाँ है? नहीं नहीं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो रास्ता हो गया ब्लॉक। अच्छा, ये लेकिन झरना अभी तक दिखा नहीं, शायद यही हो। यही है ये झरना, ये जो झरना है तो हम सलमान खान है, तो हम शाहरुख खान, ये वो झरना है। ये झरना है। तो फ्रेंड फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और ये वही जगह है जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। ये ठहरा हुआ पानी, एक्चुअली ये ठहरा हुआ पानी नहीं है बल्कि इसका स्रोत कहीं और है जो निकल जाता है, क्योंकि यहीं पे आदमी सब आ करके यहाँ पे नहाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे नहाने से लोगों का दुख तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो तकलीफ किस टाइप का भाई? जिसको चर्म रोग हो, घाव हो, फुसड़ी हो, फुंसी हो, जिसको चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारी है, इस झरने में नहाने से वो दूर हो जाता है। तो चूंकि ये पानी आता कहाँ से है, आ कहाँ से रहा है, हम अभी वहाँ चल करके देखते हैं। तो और थोड़ा सा यहाँ पे पूजा उजा भी होता है, जैसा कि वो महिला बोली कि यहाँ पे झाड़ फूक पूजा वगैरह होता है। तो चलिए हम चल करके थोड़ा और देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का है और यहाँ भी है, ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पूजा पाठ करते हैं लोग सब। तो फ्रेंड यही वो जगह है और यहीं से पानी आ रहा है, तो हम आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा पानी। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पत्ता लगा देते हैं क्योंकि तो पानी भरने में आसानी हो डिब्बे उब्बे में। ये देखिए, और पानी देख लीजिए, ये पूरा
पानी बहुत साफ सुथरा है, पीने लायक है, पीने लायक के यहाँ के लोग भी पीते भी हैं ये पानी को। तो फ्रेंड यही वो शक्तिपीठ स्थान है, तो जहाँ हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिव जी का पूजा होता है, और यहीं पे झाड़ फूक और जिनका यहाँ पे मन्नतें पूरी हो जाती है वो वहाँ पे पूजा करवाते हैं, जिनका दुख दूर हो जाता है, खुजली वगैरह ख़त्म हो जाता है झरने में नहा करके, तो लास्ट टाइम वो अपना यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए पानी पूरा साफ सुथरा पानी है और बहुत अच्छा पानी है एकदम, और यहीं से ये इधर देखिए यहाँ पे जमा हुआ है पानी, यहीं पे नहाते हैं और यहाँ पे पीने के लिए पानी भरते हैं। और एक छोटा सा ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी मंदिर है, यहीं झरना के जस्ट बगल में, ये देखिए झरना यहाँ, यहाँ पे मंदिर है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो यहाँ के बारे में थे, हम लोगों से पूछ करके समझाने की प्रयास किए और यहाँ पे दिखा भी दिए, तो कैसा लगा यहाँ पे? मेन बात है कि जो देखने आया है वैसा सीन कुछ दिखा नहीं। हम भी वही सोचे थे कि यहाँ झरना का मतलब है ना कि पूरा रफ्तार से गिरता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ पतला सा स्रोत है जो कि पूरा पहाड़ के, आप देख सब पा रहे होंगे पूरा पहाड़ है पीछे, हाँ, और उस ऊपर से नहीं है, ये नीचे से है, ये नीचे से थोड़ा सा स्रोत बना हुआ है और यहाँ पे गड्ढा लोग कर दिए हैं जबकि ठहराव है, यहीं पे नहाना धोना है। तो जैसा सोचे थे वैसा है नहीं, बट जिनका काम हो रहा है वो और क्या चाहिए। तो बाकी तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और अंदर और भी कुछ चलिए देखते हैं, हाँ, क्या क्या है अंदर, एक्सप्लोर करते हैं नया नया चीज यहाँ पे देखने के जो है। तो हम चल कर देखते हैं किधर खेत है, मतलब तुम घूम के आ गया वहाँ से, देखो पीछे तुम डर की बात है, पानी में तो गए वो लेके भाग जाएगा, तो इसलिए भाग जाएगा, पापा है ना मेरे साथ, भैया भी है, कैसे भाग जाएगा लेके? हम लोग तो यहाँ पे, हम लोग देखने गए रवि कहाँ गया, पीटेंगे तुमको देखना, थक गया तुम क्या? हाँ। कितना चल गया जो थक गया? 300 किलोमीटर। अरे 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चल गया, दौक के आ रहे, दौक से दौक के आए इधर। ओह देखो ये 300 किलोमीटर गया, झूठ बोल रहा है, यहीं पे तो था, खाली आप वीडियो बना रहे हैं, वहाँ कभी वहाँ जा रहा है कभी इधर आ रहा है, उतने में तुम थक गया? नहीं हम 300 कितने 1000 किलोमीटर आए, हम पहाड़ से नीचे उतर के आए, कुछ ज्यादा हो गया, तुम तो ज्यादा फेंक रहे हो, बहुत ज्यादा फेंक रहा है। यहीं पे लोग ये देखिए यहाँ पे आ करके अपना जिनका मनोकामना पूरा हो जाता है वो यहाँ पर आ करके पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पे देखिए खाना उना भी बनाते हैं, और इधर देख पा रहे होंगे कि मुर्गा का पंख वगैरह है तो यहाँ पे चलता है। तो फ्रेंड अभी उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो ये हमारे पीछे देख सकते होंगे एकदम भुताहा पेड़ है, लगता है जैसे इसको जला दिया गया है, एक्चुअली ये बात नहीं है, ये सूख चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पूरा खाली है और यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, बस हम हैं और हमारे साथ ये दो है। ए कहाँ चल रहा है, कहाँ तुम लोग चल गए हमको छोड़ करके, कहाँ भी कुछ वहाँ है नहीं, आगे से रास्ता ही है जाने का, वक्त वो सब उधर से रास्ता निकलने का है ना। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग यहाँ पे पूरा बढ़िया से दिखा चुके हैं और इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, कुछ बोल दो, जय हिंद जय भारत, और कुछ फिर से मिलेंगे, बाय। ओके।